देखो बेटा, तीन क्यूबों को जोड़ा गया, तीन क्यूबों को जोड़ा गया, एक थी तीन की, एक थी पांच की और एक थी चार की। तीनों को मेल्ट करा, मेल्ट करा। जब भी क्वेश्चन मेल्ट का आ जाए ध्यान रखना क्वेश्चन वॉल्यूम का है। जब भी क्वेश्चन मेल्ट का आ जाए ध्यान रखना क्वेश्चन किसका है, वॉल्यूम का। और उसको दोबारा से एक सिंगल क्यूब में बड़ा किया गया। मतलब तीन क्यूब थे तुम्हारे पास, छोटे छोटे बड़े बड़े, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया, पूरा मेल्ट कर दिया और एक बड़ा क्यूब बना दिया उससे। क्या बना दिया, एक बड़ा क्यूब बना दिया। तो ए बाबा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब थर्ड इज इक्विवेलेंट होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। लिखो पहले इतना। देखो पहले का क्यूब कितना होगा, 6 a³, 6 a² नहीं, a³। अगले का भी a³, अगले का भी a³, लेकिन ये a अलग है, ये a अलग है और ये a अलग है, और लास्ट वाले का भी होगा a³, ठीक है। तो वॉल्यूम तो सबका क्यूब का a³ ही होता था। तो पहले वाले के किसका, 3 का क्यूब, अगले वाला है 4 का क्यूब और अगले वाला है 5 का क्यूब। तो लास्ट वाला हमें पता नहीं है कितना है। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 4 का 64, 5 का, फटाफट जोड़ो फटाफट जोड़ो, कितना कितना आ गया सबका, जोड़ो भाई जोड़ो, जल्दी जोड़ दो। कितना, 27, एक 27 है और उसमें 64 है प्लस उसमें क्या था, 125 है। आंसर आया 216, 216 इज इक्वल टू a³। अब किसका 216 क्यूब होता है, 6 का, तो इसका मतलब बड़े वाले क्यूब का जो आपका एज है वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में आने लायक, ठीक है गाइस, क्लियर है। जब भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा हम वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे और एक बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, फिर वहां से जो भी एज आएगी वो आपकी एज आ जाएगी। क्लियर, लिख लीजिए।